हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया अबाउट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग पांच क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझ चुके हैं कि हम लोग एनिमल्स को किस बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट वन हमने क्या डिस्कस किया था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वन हमने क्या डिस्कस किया था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद डाइजेस्टिव ट्रैक, कि डाइजेस्टिव ट्रैक के बेसिस पर भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। थर्ड वन हमने डिस्कस किया था, सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया जा सकता है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया, दो चीज़ें और डिस्कस की, एक तो सिमेट्री के बेसिस पर कि ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिकल है या नहीं, या उसके जो ऑर्गन्स हैं वो सिमेट्रिकल है या नहीं, तो उसके बेसिस पर सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब सिमेट्री प्रेजेंट और असिमेट्रिकल का मतलब एब्सेंस। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया, तो फिफ्थ वन जो हमने क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन काउंट किया था वो था ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स लेयर्स ऑफ सेल, अगर वो लेयर्स ऑफ सेल दो थी तो डिप्लोब्लास्टिक, और अगर तीन थी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसी से रिलेटेड एक और लेवल ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोगों को डिस्कस करना है कि जर्मिनल लेयर्स के बेसिस पर ही ऑर्गेनिजम्स में एक स्ट्रक्चर और बनती है जिसे बोला जाता है सिलोम। सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी का मतलब अगर हम लोग ह्यूमन बींग में फिर से समझते हैं, बेटर एग्जाम्पल है हमारे लिए, तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि बात करें लीवर, तो जो ऑर्गन्स हैं हमारे वो हमारी एलिमेंट्री केनाल एंड हमारी स्किन के बीच का जो पार्ट है उसमें लोकेटेड है। तो जो ऐसी कैविटी या एक ऐसा स्पेस, फ्लूइड फील्ड स्पेस जिनमें ऑर्गन्स प्लेस्ड होते हैं, या ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा एक स्पेस जिसमें जो एलिमेंट्री केनाल एंड जो बॉडी की वॉल के बीच में होता है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज सिलोम। तो जो हमारा अरेंजमेंट है ह्यूमन बींग का, वो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है कि हम लोग एक बड़ी ट्यूब जो हम स्किन को बांध सकते हैं, उसके अंदर एक दूसरी ट्यूब रखी हुई है। पहली ट्यूब हमारी कौन सी हो गई, हमारी ये बॉडी वॉल, और उसके बाद उसके अंदर दूसरी ट्यूब हमारा एलिमेंट्री केनाल जो माउथ से स्टार्ट हुआ है, फिर इसोफेगस, देन स्टमक, फिर इंटेस्टाइन से चलेगा। तो एक बड़ी ट्यूब के अंदर एक क्या रखी हुई है, छोटी ट्यूब रखी हुई है। उन दोनों ट्यूब के बीच का जो स्पेस है उसी को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, सिलोम। पर इसके लिए कंडीशन हम लोग मेंशन करते हैं कि सिलोम इज अ स्पेस इन बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री केनाल, बट इट इज लाइंड बाय मेसोडर्म। कंडीशन क्या है कि वो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री केनाल के बीच का स्पेस है, पर वो किससे लाइंड होना चाहिए, मेसोडर्म से लाइंड होना चाहिए। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज सिलोम। नेक्स्ट द लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोगों को काउंट करना है, वो है सिलोम। सिलोम का मतलब क्या होगा, सिलोम मीन्स होता है एक ऐसी कैविटी जो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री केनाल के बीच में होती है। तो हम लोग डिफाइन करते हैं डेफिनेशन में, कैविटी और अ स्पेस इन बिटवीन एलिमेंट्री केनाल एंड बॉडी वॉल। अ कैविटी और अ स्पेस इन बिटवीन एलिमेंट्री केनाल एंड बॉडी वॉल विच इज फ्लूइड फिल्ड। एक ऐसा स्पेस जो बॉडी कैविटी, जो एलिमेंट्री केनाल एंड बॉडी वॉल के बीच में है और फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज सिलोम। सिलोम को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ कैविटी विच इज लाइंड बाय, अ कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म। एक ऐसी कैविटी जो किससे लाइंड होनी चाहिए, मेसोडर्म से होनी चाहिए, उस कैविटी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिलोम। तो सोचिए मेसोडर्म से लाइंड होनी चाहिए, तो क्या डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में कभी सिलोम बन सकती है, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में कितनी जर्मिनल लेयर्स थी, ओनली टू, एक्टो एंड एंडो, मेसो तो थी ही नहीं, इसका मतलब वहाँ कभी भी जर्मिनल सिलोम नहीं बनेगी। तो क्या ट्रिप्लोब्लास्टिक में बनेगी, तो आंसर क्या होगा, यस। पर हम लोग इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में सोचें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में सिलोम का फॉर्मेशन होना चाहिए था, और सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन बना था, प्लेटी हेलमेंथिस, पर उसमें सिलोम नहीं थी। तो सिलोमिक कंडीशन के हिसाब से हम ऑर्गेनिजम्स को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो वो जिनमें सिलोम्स नहीं है, असिलोमेट, एक वो जिनमें सिलोम
है तो सही पर वो एक ट्रियुसुलोम नहीं है, दिस सिलोम इज कॉल्ड एज फॉल्स सिलोम। द थर्ड वन इज अ ट्रियुसुलोम यू सिलोमेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिलोम अलग अलग कंडीशन में बनी हुई है या बनी नहीं है। तो हम लोग सिर्फ ये काउंट करना है कि सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म था, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तभी हम लोग सिलोमिक कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि मेजोडर्म से लाइंड होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा हम लोग डायग्रामेटिकली भी समझते हैं। अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म को मानते हैं कि वो एक असिलोमेट ऑर्गेनिज्म है, असिलोमेट का मतलब सिलोम इज एब्सेंट, सिलोम इज एब्सेंट, सिलोम नहीं है उसके अंदर। तो स्ट्रक्चर में हम लोगों ने मेंशन भी किया था कि थ्री जर्मिनल लेयर्स में सबसे बाहर वाली कौन सी थी, एक्टोडर्म, मीडिएट मेसोडर्म और सबसे इनर मोस्ट इज एंडोडर्म। हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि सबसे बाहर वाली कवरिंग एक सर्कल के फॉर्म में बना लेते हैं, ये होगी बॉडी वॉल, इसकी सबसे बाहर वाली कवरिंग कौन सी है, एक्टोडर्म। उसके बाद कौन सी लेयर होगी, मेसोडर्म, और सेंटर में एक चीज और बना के रखते हैं हम लोग, एलिमेंट्री कैनाल। सेकेंड लेयर कौन सी हो जाएगी, मेसोडर्म। डबल लेयर्स के फॉर्म में हम लोग बना लेते हैं तो सेकेंड हो जाएगी मेसोडर्म, और सबसे थर्ड वन कौन सी हो जाएगी, एंडोडर्म। तो तीन जर्मिनल लेयर्स बनाई है हम लोगों ने, सबसे बाहर कौन सी है, एक्टोडर्म, उसके बाद मेसोडर्म और सबसे अंदर एंडोडर्म। तीन जर्मिनल लेयर्स हैं पर हमें मेसोडर्म की स्प्लिटिंग नहीं दिख रही है, एक ऐसी कोई कैविटी नहीं दिख रही है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में। ये सेंटर मोस्ट पार्ट क्या बना रखा है हम लोगों ने, एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बॉडी वॉल के बीच में सॉलिड पूरा स्पेस है, कोई कैविटी नहीं है, तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, असिलोमेट ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल ट्रिप्लोब्लास्टिक से ही स्टार्ट करें तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्लेटी हेलमेंथिस। प्लेटी हेलमेंथिस में वो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं जिनमें जर्मिनल लेयर्स कितनी होती हैं, थ्री जर्मिनल लेयर्स, पर फिर भी वहाँ पर सिलोम का फॉर्मेशन नहीं होता। एक्टो मेसो एंडो तीनों जर्मिनल लेयर्स हैं पर सिलोम का फॉर्मेशन नहीं होता। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, असिलोमेट ऑर्गेनिज्म। सेकंड वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें जर्मिनल लेयर्स तो थ्री है, तो फर्स्ट तो हो गया असिलोमेट, सेकंड हम लोगों को पढ़ना होगा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जर्मिनल लेयर्स कितनी है, थ्री, पर उनमें सिलोम फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ पर वो कंप्लीट एक ट्रियुसिलोम नहीं बनी। तो सेकेंड कंडीशन क्या काउंट करनी है, स्यूडो सिलोमेट। सीडोसिलोमेट का मतलब फॉल्स सिलोम, एक फॉल्स सिलोम का फॉर्मेशन होता है। फॉल्स सिलोम का मतलब है कि मेसोडर्म स्प्रेडिंग तो करेगा पर एक प्रॉपर स्प्रेडिंग नहीं है, तो कुछ पाउचेस बनते हैं कैविटीज के, वो ट्रियोसिलोम में काउंट नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हम लोग बना सकते हैं कि सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होगी, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, एक्टोडर्म। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है, एक्टोडर्म। डबल लेयर हम लोगों ने ड्रॉ की थी, हम डबल लेयर बना लेते हैं। सेंटर मोस्ट में हम लोगों ने क्या बनाया था, एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद मेसोडर्म जो बनाया था हम लोगों ने, वो मेसोडर्म की क्या हो गया, अब स्प्रेडिंग नहीं हुई है प्रॉपरली, और सबसे इनर मोस्ट पार्ट क्या बनाएंगे, एंडोडर्म। सबसे इनर मोस्ट पार्ट कौन सा होगा, एंडोडर्म, और मेसोडर्म की प्रॉपर स्प्रेडिंग नहीं हुई है, तो मेसोडर्म को हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर सिलोम का फॉर्मेशन नहीं हुआ, एक फॉल्स सिलोम बनी है, वो फॉल्स सिलोम को क्या बोलते हैं, सीडो सिलोम, सीडो सिलोम। एक फॉल्स सिलोम का फॉर्मेशन हुआ है, एंडोडर्म बनी हुई है, एक्टोडर्म बनी हुई है, और मेसोडर्म कैसी बनी है, थोड़ा सा वो स्प्लिटिंग प्रॉपरली नहीं हुई, इस टाइप की सिलोम को क्या बोल सकते हैं हम लोग, सीडोसिलोम। ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होगा पर प्लेटी हेलमेंथिस में सिलोम नहीं थी, तो आग नेक्स्ट वन कौन सा था, नेमेटोडा। तो नेमेटोडा में किस टाइप की सिलोम होती है, सीडोसिलोम।
फॉल्स सिलोम, सीडोसिलोम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉल्स सिलोम, जिसमें प्रॉपर स्प्रेडिंग मेसोडर्म की नहीं हुई। थर्ड कंडीशन है जिसमें सिलोम प्रॉपरली बन जाएगी, वो है यू सिलोमेट कंडीशन, एक्ट्रियो सिलोम उनके अंदर होगी। तो थर्ड कंडीशन क्या होगी, यू सिलोमेट। यू सिलोमेट का मतलब एक्ट्रियो सिलोम इज प्रेजेंट, ट्रियो सिलोम इज प्रेजेंट। ट्रियोसिलोम की कंडीशन डेफिनेशन हम लोग पहले ही मेंशन कर चुके हैं, एक ऐसी कैविटी जो मेसोडर्म से लाइंड होनी चाहिए और जो बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल के बीच में होनी चाहिए, उस कैविटी को क्या बोलेंगे हम लोग, सिलोम। तो डायग्रामेटिकली फिर समझते हैं, तो सबसे बाहर की तरफ क्या होगा, एक्टोडर्म, फिर से वही दो लेयर्स हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। और सेंटर मोस्ट पार्ट में हम लोग क्या बना रहे थे, एलिमेंट्री कैनाल, सेंटर मोस्ट पार्ट के आसपास हमने बनाई एंडोडर्म। इस एंडोडर्म के पास एक लेयर तो किसकी होगी, मेसोडर्मल लेयर की, क्योंकि मेसोडर्म से लाइंड होनी चाहिए कैविटी। एक लेयर तो कहां जाएगी, एंडोडर्म के पास, और एक लेयर कहां जाएगी, एक्टोडर्म के क्लोज रहेगी। तो हमने मेसोडर्म को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तो एक कैविटी का फॉर्मेशन हुआ है। वो कैविटी किस किस के बीच में है, बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, और लाइंड भी किससे है, मेसोडर्म से। इसका मतलब है कि यही एक ट्रियोसिलोम में काउंट की जाएगी। तो हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला जो पार्ट है वो है ट्रियोसिलोम विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, हम लोग नेमेटोडा पढ़ चुके हैं, तो एग्जाम्पल होगा फ्रॉम एनेलिडा टू कोडेटा, जितने भी हम लोग ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे सभी में ये कंडीशन प्रेजेंट है। तो सिक्स बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट वन इज सिलोम। इसके बाद हम लोगों को एनिमल किंगडम स्टार्ट करना है। एनिमल किंगडम में हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े, तो फिर हम लोगों को पोरीफेरा से स्टार्ट करना पड़ेगा। पर हम लोग एक चीज डिस्कस कर चुके हैं कि इनिशियली हम लोग प्रोटोजोआ को भी किसमें इंक्लूड करते थे, एनिमल्स में। तो एक बार प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पोरीफेरा जो एक्चुअल एनिमल्स हम लोग काउंट करते हैं वहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले प्रोटोजोआ से, उसके बाद हम लोग पोरीफेरा डिस्कस करेंगे जिन्हें हम एक्चुअल एनिमल्स में काउंट करेंगे। प्रोटोजोआ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसमें क्लासिफाई किए गए, वो किए गए प्रोटिस्टा में। तो प्रोटोजोआ से स्टार्ट करते हैं जिन्हें हम लोग एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म मानते हैं। प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होते, जैसा कि हम लोग किसमें पढ़ चुके थे, प्रोटिस्टा में। तो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ में काउंटेड है। इनकी सेल का टाइप क्या होगा, यूकैरियोटिक। हम लोग पहले भी बार बार डिस्कस करते हैं कि हम लोग बैक्टीरिया को कैसा मानते हैं, प्रोकैरियोटिक। उसके बाद सेल्स कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक सेल, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और सेल कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल। इसके बाद अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है, हम लोग एनिमल्स को ही क्लासिफाई कर रहे हैं, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिंगल सेल है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सिंगल सेल में अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाए तो वो होगा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब एक सिंगल सेल में एक प्रोटोप्लाज्म उसके वो कंडीशन लिविंग कंडीशन में बनाए रखता है, वही होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जांपल आप लोगों को पता है, प्रोटोजोआ में क्या पढ़ेंगे हम लोग, अमीबा के बारे में, पैरामीशियम के बारे में। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा इनका, हेटरोट्रॉफिक। पर अगर हम लोग युगलीना को भी काउंट कर रहे हैं तो युगलीना में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाता है, मिक्सोट्रॉफिक, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक भी होता है और वो हेटरोट्रॉफिक भी होता है। इसका मतलब वो एक एनिमल और प्लांट के बीच में कनेक्टिंग लिंक बन जाता है। तो अगर युगलीना की बात करें तो मिक्सोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक में भी नॉर्मली कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, होलोजोइक। एनिमल्स लाइक बिहेवियर शो करेंगे, तो पहले इंटेक ऑफ फूड, देन डाइजेशन, देन अब्सॉर्प्शन, देन असिमिलेशन, और फाइनली रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये होता है प्रोटोजोन्स के केस में। इसके अलावा प्रोटोजोन्स सिंगल सेल स्ट्रक्चर हैं,
तो जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी वो इनसाइड द सेल, एक सिंगल सेल परफॉर्म कर रही है। तो डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन कैसा होगा? इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। एक सेल सिंगल सेल है तो डाइजेशन भी कैसा होगा? इंट्रा सेल्यूलर, एक सिंगल सेल में डाइजेशन परफॉर्म होगा। इसके अलावा अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लाइक रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन, ऐसी जो भी एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म करेंगे ऑर्गेनिज्म बाय सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि उनके पास एक सिंगल सेल ही एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर रही है, तो कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वहां पर नहीं मिलती। तो फूड के लिए फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, वाटर एंड सॉल्ट की कंसंट्रेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बन जाती है, और वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो एक मेम्ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स एंड सिमिलरली गैसियस एक्सचेंज के लिए भी। तो वहाँ सेल मेम्ब्रेन ही सारे फंक्शन परफॉर्म करेगी। इसके अलावा हम लोग अगर शेप की बात करें कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो शेप में कैसे दिखाई देते हैं, तो शेप इसमें अलग अलग हो सकती हैं। इस अमीबा की बात करें तो कैसा होता है अमीबा? शेप की बात करते हैं तो अमीबा कैसा होगा? इरेगुलर भी हो सकती है। और अगर पैरामीशियम की बात करें तो स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म होता है पैरामीशियम, तो स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म हो सकता है, इरेगुलर स्ट्रक्चर हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो। मूवमेंट की बात करें कि ये ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल स्ट्रक्चर है तो ये मूव कैसे करते होंगे, तो मूवमेंट कैसे शो करेंगे? अमीबा हम लोग पढ़ते भी हैं, अमीबा कैसे मूव करेगा? बाय स्यूडोपोडिया, कुछ फॉल्स फीट बना लेगा स्यूडोपोडिया, उनसे मूव करता है। अगर हम लोग बात करें युगलिना की तो कैसे मूव करेगा? बाय फ्लेजिला। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट पैरामीशियम तो कैसे मूव करेगा? बाय सिलिया फॉर्मेशन। ऐसी स्ट्रक्चर उनके अंदर बनती है जिनके हेल्प से वो मूवमेंट परफॉर्म कर पाते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी है, ये इन्वायरमेंट में कई कंडीशंस में हार्मफुल भी हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं कुछ। इसके अलावा अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें कि ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, तो रिप्रोडक्शन के बेसिस पर मोस्ट ऑफ द टाइम या जनरल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनका क्या होगा? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जनरली कैसा होगा? असेक्सुअल। तो मेनली तो होगा असेक्सुअल, बट कुछ टर्म्स में सेक्सुअल ऑल्सो, पर मेनली कैसा होता है? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे अगर हम लोग अमीबा की बात करें तो कैसे डिवाइड करेगा? बाय बाइनरी फ्यूजन। सिंपली अमीबा दो पार्ट में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा? फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है सिंपली दो पार्ट में डिवाइड करना, या मल्टीपल फ्यूजन की मोर देन टू कॉपीज बनना एक बार में। इस तरीके से प्रोटोजोन्स क्या कर लेते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। हमने एनिमल में क्यों काउंट किया इनको? क्योंकि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था? हेटरोट्रॉफिक, और यूकेरियोटिक सेल है और सेल वॉल वहाँ पर नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है। तो जो फंक्शन वो ऑलमोस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो परफॉर्म कर रहे हैं, इस बेसिस पर हम लोग किस में क्लासीफाई करते थे? एनिमल्स में। पर अब हम लोग उसमें से इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं होती है। एक सिंगल सेल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को सभी को कंप्लीट करता है और वो सर्वाइव भी करता है। जनरली ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपको एक्वेटिक कंडीशंस में मिलेंगे, समटाइम ये पैरासाइटिक कंडीशन में भी मिलते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ, वो मलेरिया कोजिंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो अलग अलग हैबिटेट में ये ऑर्गेनिज्म हमें मिल सकते हैं। ये था प्रोटोजोआ जो हम लोग एनिमल्स के बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे थे। बेसिकली हम लोग जो एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं वो होता है पोरीफेरा से स्टार्ट। तो हम लोग नॉन कोडेटा नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोगों को पोरीफेरा के बारे में पढ़ना है, देन हम धीरे धीरे पूरा नॉन कोडेटा कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको फाइलम्स लिखाए थे, उसके बाद हम लोगों को डिस्कस करना होगा कोडेटा के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।